नाउ वी विल लर्न अबाउट आर बॉडी. अब हम अपनी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे. बॉडी का मतलब होता है शरीर. आप सबके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं. हम सबके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, लाइक फिंगर्स, आईज, ईयर, नोज. लेकिन सबकी आईज होती हैं, सबके ईयर्स होते हैं. तो चलिए अब हम पढ़ते हैं बॉडी पार्ट्स के बारे में. तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक गर्ल है और यहाँ पर क्या है, एक बॉय है. दोनों के बॉडी पार्ट्स हैं. गर्ल की भी टू आईज हैं और बॉयज की भी टू आईज हैं. गर्ल्स के भी टू हैंड हैं और बॉय के भी टू हैंड हैं. तो चलिए अब हम बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं. लेग्स. लेग्स क्या होती हैं? लेग्स का मतलब होता है टांगे. वी आर हैविंग टू लेग्स. हमारी दो टांगे होती हैं और लेग्स से हम खेलते हैं, कूदते हैं और क्या करते हैं, वॉकिंग मतलब चलते हैं. आफ्टर देन ईयर्स. ईयर्स का मतलब होता है कान. वी आर हैविंग टू ईयर्स. और ईयर्स से हम क्या करते हैं, हम ईयर्स से सुनते हैं. नेक्स्ट आईज. वी आर हैविंग टू आईज. आईज से हम ये प्यारी सी दुनिया को देखते हैं. आफ्टर देन लिप्स. लिप्स का मतलब होता है होंठ. नाउ टीथ. टीथ क्या होते हैं, दांत. विद द हेल्प ऑफ टीथ वी ईट फूड. हम खाना खाते हैं, खाने को चबाते हैं. किसकी हेल्प से, टीथ की हेल्प से. स्टूडेंट वी हैव टू ब्रश आर टीथ ट्वाइस अ डे. दिन में दो बार अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए. नेक्स्ट फेस. फेस का मतलब होता है चेहरा. फेस का मतलब होता है चेहरा. आफ्टर देन टंग. टंग का मतलब क्या होता है, जीभ. और टंग से हम डिफरेंट डिफरेंट फूड्स को टेस्ट करते हैं. नाउ आईब्रो. ये होती है हमारी आईब्रो. नेक्स्ट चीक. चीक मतलब गाल. आफ्टर देन फिंगर्स. फिंगर्स. फिंगर्स मतलब उंगलियां. फिंगर से हम चीज़ों को होल्ड करते हैं. आप पेंसिल होल्ड करते हैं ना, विद द हेल्प ऑफ फिंगर. नाउ चेस्ट. चेस्ट का मतलब छाती. स्टमक. स्टमक पेट को कहते हैं. नी. नी मतलब घुटना. एंकल. एंकल मतलब एड़ी. आफ्टर ने टो. पैर की उंगलियों को हम टो कहते हैं और हाथों की उंगलियों को हम फिंगर कहते हैं. आफ्टर दैट एल्बो. एल्बो मतलब कोहनी. ये हमारी एल्बो होती है. आफ्टर देन हिप. देन लेग. लेग मतलब टांगे. आफ्टर देन हील. हील का मतलब एड़ी. तो ये सब क्या है, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. और हर एक बॉडी पार्ट डिफरेंट फंक्शन करता है. हर बॉडी पार्ट्स का अलग अलग काम होता है और हमारे सारे बॉडी पार्ट्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं.